गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपसे कुछ टर्म्स की बात हो रही थी। हमने कहा था कि कंडक्टिविटी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ टर्म्स के सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए। उनके सिंबल क्या है, उनकी यूनिट्स क्या है, उनको यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। फिर हमने कहा था किसी भी सेल में, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोड है एंड दिस वन इज द सेकेंड इलेक्ट्रोड, और इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर रखा है, मान लीजिए इतना सारा, ठीक है। तो हमने कहा था कि इस सेल कंडक्टर में जो भी सेल हमने बनाया है उसमें हम कंडक्टिविटी के टाइम पे सिर्फ कौन सा कंसंट्रेशन या एरिया देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में हो, यानी कि वो एरिया यहाँ से लेके ऐसे, एक्चुअली यहाँ तक फील है ना, तो यहाँ तक की कंसीडर की जाती है। फिर हमने देखा था अगर हम इसको पूरी तरह से भर दे, यानी कि इन पूरे इलेक्ट्रोड्स को डुबो कर रख दे, कैसे रखेंगे, मान लीजिए ये आपका कंटेनर हो गया, दिस वन इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रोड, लेट्स से दिस इज योर सेकेंड इलेक्ट्रोड, और ये आपका पूरा फील्ड है, पूरा कंटेनर भरा पड़ा है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोड हैं आपके वो इलेक्ट्रोड पूरी तरह से क्या है, हाँ डीप्ड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पूरी तरह से डीप्ड है। इस केस में जो आपके एरिया कंसीडर किया जाएगा वो एरिया कौन सा होगा, इनको जोड़ेंगे, सॉरी इसको इससे जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कुछ ऐसी, ये तो दिख नहीं रहा आपको, इसको हम रफ करते हैं ना, यहाँ बनाते हैं, ये अच्छा रीजन है, कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिल सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, जो भी है। फिर हमने कहा था इस केस में ये जो दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं एल लेंथ, हाँ ध्यान रहे लेंथ क्या है, इट इज़ द गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जो भी दो इलेक्ट्रोड रखे गए होंगे, मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रोड रखे गए हैं तो इसके बीच में कोई ना कोई गैप है ना, यस, जो दो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप है उसको हम बोलते हैं लेंथ एल, एरिया किसको बोलेंगे, यस, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगी तो उसकी कोई ना कोई एरिया होगी। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स आप लगा रहे हैं उसकी कोई ना कोई एरिया होगी, हाँ उसे हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ए। फिर हमने देखा था एल बाई ए, हाँ एल बाई ए को हम क्या कहते हैं, वी से इट एज अ सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब भी आपने एक सेल बना दिया तो जितने ही गैप पे आपने दो इलेक्ट्रोड्स को रखा है वो तो सेम रहेगा, उनके बीच का गैप चेंज नहीं हो सकता। दूसरा, जो इलेक्ट्रोड लगाया आपने सेल बनाने के बाद इलेक्ट्रोड तो बदलेंगे नहीं, यानी कि जो इलेक्ट्रोड लगा दिया वही इलेक्ट्रोड हमेशा रहेगा, और जो इलेक्ट्रोड की एरिया पहले रही होगी वही बाद में भी रहेगी, यानी कि वो भी चेंज नहीं होता। इसीलिए एल बाई ए के रेशियो को हम क्या कहते हैं, वी से इट एज अ सेल कॉन्स्टेंट, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने देखा था रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, जहाँ पर आर क्या होगा, इट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी सेल की, तो हम आर को रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। उसी तरह से तो ये रो क्या है, यस वेरी गुड, दिस रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एल बाई ए को आप क्या बोलेंगे, सेल कॉन्स्टेंट। फिर उसके बाद हमने कुछ नए टर्म सीखे थे, हमने ये भी देखा था
कि जो रेजिस्टेंस होगा वो किस पर डिपेंड करता है, दैट वनली एंड वनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम उसमें भरेंगे, यानी कि R की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, रो पे। क्यों? क्योंकि L और A क्या थे, कांस्टेंट थे। फिर हमने देखा जैसे रेजिस्टेंस को हम R कहते हैं, उसी तरह रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम G बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G। और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अगर आपसे G की वैल्यू पूछा जाए तब क्या कहेंगे, 1/R। या फिर अगर आपसे R की वैल्यू पूछी जाए G के टर्म्स में, आप क्या बोलेंगे, 1/G। क्लियर है? रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता है क्या होती है, ओम। ये जो कंडक्टेंस है G, इसकी यूनिट क्या होती है, एक तो होता मो, ओम का ठीक उल्टा मो, दूसरा तो सीमेंस, जिसको हम कहे थे ज़्यादातर हम इसी टर्म्स को यूज करेंगे, सीमेंस कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर कई बार आपको ओम इनवर्स लिखा हुआ भी मिल सकता है। क्यों? देखिए, वन तो यूनिटलेस है, आर रेजिस्टेंस को हम यहाँ लिखेंगे ओम। जब हम इस ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, -1 पावर में, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। क्लियर है? इतनी सारी बातें हो गई थी। चलिए आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। स्वाइए डिस्कस करते हैं थर्ड, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हाँ, ये के क्या है, दिस इज नोन एज कप्पा। यस, दिस इज कप्पा। अब जैसे कि मुझे रेजिस्टिविटी का पता होता था, रेजिस्टिविटी को हम क्या कहते थे, रो। देखिए, रेजिस्टेंस का इनवर्स हमें क्या मिला, कंडक्टेंस। उसी तरह से रेजिस्टिविटी का इनवर्स हमें क्या देगा, कंडक्टिविटी। क्या देगा, कंडक्टिविटी। हम इसको इन जनरल स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना कह के ज़्यादातर हम क्या यूज करते हैं, कंडक्टिविटी टर्म में। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जा सकता है, दोनों ही नाम उसके एक ही है। लेकिन अब दोनों में से कोई एक ही नाम ना हमेशा यूज करेंगे हम, जैसे घर आपके दो नेम है तो घर पे ज़्यादातर लोग वही नाम यूज करते हैं जो घर का नाम होगा। उसी तरह से हम इन जनरल ज़्यादातर कौन सा टर्म यूज करेंगे, डेट विल बी कंडक्टिविटी। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल के, इसका पूरा नाम क्या होगा, कप्पा। अब बताइए ये किससे रेसिप्रोकल होगा, क्लियर है, रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी। सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। इन जनरल वी विल यूज द टर्म कंडक्टिविटी। हाँ, हम ज़्यादातर केस में जैसे कि आप रो को मैक्सिमम टाइम क्या बोलते रहे हैं, रेजिस्टिविटी। हाँ, ये बात और है कि इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेकिन आप ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, रेजिस्टिविटी। उसी तरह से कप्पा के को हम क्या यूज करेंगे, कंडक्टिविटी। हम बार बार बोल रहे हैं इसका मतलब, यहाँ ये जो सिंबल्स हैं इनको टर्म्स को डिफाइन करने में आपको आगे दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आप इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको कवर करेंगे। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया। अब बताइए कप्पा, कंडक्टिविटी क्या है, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि 1/ρ के इक्वल होगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहाँ पर हम R = ρ L/A, हमें पता है हम उस रिलेशन का यूज करेंगे। अब बताइए यहाँ से अगर हमें रो का फॉर्मूला बनाना हो, हम क्या करेंगे, A को इधर लेके आएंगे तो R * A हो जाएगा, L को इधर लेके आएंगे ये टॉप पे तो नीचे चला जाएगा, यानी कि रो की वैल्यू क्या आएगी, R A/L। समझ में आ रहा है मेरी बात? चले, अब क्योंकि रो की वैल्यू R A/L है तो बताइए कंडक्टेंस K की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे एक लाइन आपका गायब है, आप चाहें तो ऐड कर लें। बताइए कंडक्टिविटी K का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/ρ। तो 1/ρ की वैल्यू अभी हमने निकाला था, क्या आया है, R A/L। हम रो के जगह पे क्या लिखेंगे, R A/L। अच्छा, इसका अपॉन L कहाँ चला जाएगा, ऊपर,
देखिए क्या आपको यही चीज मिलेगी क्या, कप्पा, कप्पा के इजकल टू एल अपॉन आर ए, सेम चीज मिलेगी। चले अभी एक चीज और आप करेंगे, आप ध्यान से देखिए तो एल बाई ए, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेल कॉन्स्टेंट। हाँ, दिस इज नोन एज सेल कॉन्स्टेंट। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, वन अपॉन आर या आर। हाँ, अगर केस कंपेरिजन करेंगे तो ये वन ऊपर है नीचे आर, देखिए वन अपॉन आर, बताइए वन अपॉन आर क्या होता है, दिस इज नोन एज कंडक्टेंस, यानी कि जी रेजिस्टेंस का अपोजिट कौन होता है, कंडक्टेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस वन अपॉन आर इज इक्वल टू जी, यानी कि वन अपॉन आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी, और एल बाई ए इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टेंट। हम ये भी लिख सकते हैं कप्पा के इज कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई सेल कॉन्स्टेंट, लिख सकते हैं, क्लियर है। चले तो आपको एक ये रिलेशन याद रखना है, ये घूमते फिरते कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में काम आता रहेगा। हाँ, इससे पहले वाला जो रिलेशन बनाया था वो नहीं याद रखना है आपको, ये याद रखना है, और एक इसका और फॉर्म बनाएंगे हम, आपको वो याद रखना है, वो अगर भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे उसको बना सकते हैं। अब देखिए क्या है वो, कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू क्या होगी, कंडक्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं क्या। हाँ, अच्छा, इससे पहले जो हमारी वैल्यू आई थी अगर वो ध्यान से देखिए तो क्या थी, एल अपॉन आर ए थी ना, ये वन अपॉन आर को हम हटा के क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जी, आर नीचे था इसका उल्टा ऊपर आएगा, और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, यानी कि जी, और एल बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेल कॉन्स्टेंट। तो देखिए ध्यान से, क्या हम कप्पा के की वैल्यू जी इंटू एल बाई ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर हमने ऐसा क्यों लिखा, जरूरत क्या पड़ी, बहुत सिंपल सा है, हमें एक फॉर्मूला आसानी से याद रहता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, याद है ना। तो आप इसी से मैच करा के दूसरा फॉर्मूला भी आसानी से याद रख सकते हैं, के इक्वल टू रो को बस जी से रिप्लेस कर दीजिए, आपको बाकी सारे टर्म सेम रहते हैं, यानी कि आपको याद रखने में आसानी हो, इसलिए हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किए हैं। काम तो आप जैसे भी चाहें वैसे यूज करके निकाल लें, रिलेशन ये है, इस रिलेशन से आप ये भी डिराइव कर सकते हैं और कैलकुलेशंस को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो याद रह जाएगा। एक बार फिर से, के क्या हमारा, यस, दिस इज नॉट कंडक्टेंस, दिस इज कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे नहीं, हम इसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। जी क्या हमारा, दिस इज कंडक्टेंस। एल बाई ए तो हमें पता ही है सेल कॉन्स्टेंट, अगर इसमें भी पूछा जाए तो एल क्या हमारा, इट इज द गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एंड ए क्या है, इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बात करते हैं हम यूनिट की, कप्पा के की यूनिट क्या होगी, यूनिट तो हमें बनाना आता है ना। अब मान लीजिए जी, मानना क्या, ये जी है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट तीन होती है, एक ओम इनवर्स, एक मो, एक सीमेंस। फिलहाल हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जब हम ओम इनवर्स लेंगे तो यहाँ ओम इनवर्स लिखना पड़ेगा, लेंथ की यूनिट अगर एसआई यूनिट में रखे तो मीटर आएगी, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर आता है, एक एम, ये पावर कैंसल, ये एम ऊपर जाएगा तो ये भी इनवर्स बनेगा, यानी कि आपको क्या मिलेगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक तो कप्पा की ये यूनिट मिल जाएगी, कहीं मिला आपको, नहीं दिया है, कोई नहीं, आप चाहें तो इसमें एसआई यूनिट वाले टर्म्स में लिख लीजिएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब चलिए दूसरा फिर से बनाइए। अब फिर से हम बात करते हैं, इस बार हम ओम ना लेके इसको क्या लेते हैं, मो, तो ये क्या हो जाएगा, मो, या फिर अगर आप सिंबल बनाना चाहें तो आप सिंबल बना लीजिए, मो, ये मीटर, ये मीटर स्क्वायर, फिर से कैंसिल होकर ये क्या बनाएगा, मीटर इनवर्स ही बनाएगा, यानी कि हमें मो मीटर इनवर्स भी देखने को मिल सकता है, हम इसको चाहें तो मो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब एक और बचा है,
दैट इज सीमेंस। तो बताइए कंडक्टिविटी कंडक्टेंस का एक यूनिट सीमेंस होता है जो कि ज़्यादातर यूज होगा। तो हम सीमेंस रख लिए एल बाई ए, फिर से वही मीटर मीटर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मीटर इनवर्स, यानी कि सीमेंस मीटर इनवर्स मिलेगा। ये देखिए सही यूनिट सीमेंस मीटर इनवर्स कर सकते हैं। अच्छा कई बार आपको ना ये भी देखने को हो सकता है क्या, जनरली हमें जो लेंथ मिलती है ना वो सेंटीमीटर में दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो हम सेल बनाते हैं इतना बड़ा बड़ा सेल्स तो बनाते नहीं है, छोटे छोटे सेल बनाते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड के बीच का गैप है अगर हम इन जनरल बात करें तो हम सेंटीमीटर्स में रखते हैं। हाँ ऐसे कोई पर्टिकुलर केस छोड़ दे तो जनरल केस की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हम किस में रखते हैं, सेंटीमीटर में। अगर हम सेंटीमीटर में रखें तो लेंथ क्या होगा, सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये सेंटीमीटर का इन्वर्स बनेगा, यानी कि सब कुछ सेम आएगा। सेंटीमीटर के केस में यहाँ सीमेंट मीटर इन्वर्स है तो यहाँ सीमेंट सेंटीमीटर इन्वर्स आएगा, वैसे ही यहाँ ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स है तो ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स आ जाएगा। कहीं है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ देखिए मो मीटर इन्वर्स है तो मो सेंटीमीटर इन्वर्स आ जाएगा, कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगी सर तीन है, एक्चुअली तो छः हो गए, तो अब छः को मैं देखी वो तो मीटर सेंटीमीटर जो दिया रहेगा आप वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आपके पास तीन ऑप्शन है, हम ओम्स में डील करेंगे, मो में डील करेंगे या सीमेंस में। तो अब मान के चलिए कि 99% केस में मो तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको ओम इन्वर्स मिलेगा और सेंटीमीटर सॉरी सीमेंस मिलेगा। अब दिक्कत ये होगी इन दोनों में कौन सा ज़्यादा मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको ये वाली यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर इन्वर्स या सीमेंस मीटर इन्वर्स, इससे कम मिलता है हाँ ओम इन्वर्स वाला। तो वो आप प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सीख जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े चले। अब देख कंडक्टिविटी के, हाँ कप्पा डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये किस पर डिपेंड करेगा। अभी देखिए कप्पा के हमने लिखा था ना, दैट इज इक्वल टू जी एल बाई ए, जिसमें एल बाई ए कॉन्स्टेंट है, यानी कि कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। और हमें पता है कंडक्टेंस जी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो, पीछे हमने देखा था। अब रो कैसे चेंज होगा, हाँ जो आयंस आपने फील किए हैं एक्चुअली आपने सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स फील किया होगा, तो वो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स आप फील करते हो क्या होते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ए प्लस बी माइनस ऐसे करके ढेर सारे आयंस हो गए होंगे। अब ये आयंस क्या करते हैं, यस यही आयंस तो कंडक्टेंस को बढ़ाते हैं, इतना तो हमें पता है, पीछे ही हमने देखा था कल के लास्ट लेक्चर में भी। अब बताइए इनके नंबर्स अगर बढ़ा दिए जाएं एक फिक्स्ड अमाउंट में, मान लीजिए दो सेल है मेरे पास सेम साइज के सेम कंडीशन में, इसमें आपके पास 100 आयंस हैं और इसमें आपके पास 200 आयंस हैं। आयंस क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करेंगे, चार्ज को कैरी करने का मतलब इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और करंट का फ्लो होगा। तो आप बताइए किस केस में चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा, 100 आयंस के केस में या 200 आयंस के केस में, वेरी सिंपल 200 आयंस के केस में, क्लियर है ना। हाँ तो जब 200 आयंस के केस में कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो उस केस में आपकी कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा के की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम क्या कह सकते हैं कंडक्टिविटी के डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, हाँ किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे उसकी कंडक्टिविटी कप्पा के की वैल्यू भी क्या होगी, लगातार बढ़ रही होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है वो देखिए, बोथ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर एडिटिव इन नेचर, ये बहुत ही छोटा सा मैथ्स का पार्ट है। एडिटिव का मतलब आप इनको ऐड करके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं इजीली, जैसे हमें पता है ना W1 प्लस W2 की वैल्यू हमेशा किसी को लाती है, हाँ W3, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब हम ऐड करते हैं हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। उसी तरह से अगर आप कंडक्टेंस की बात करें तो आप लिख सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूट प्लस
conductance of solvent and that will be equal to conductance of solution. इसी तरह से आप चाहे तो कंडक्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन. ये होता है एडिटिव का मतलब. मतलब आप इनको ऐड करके सॉल्यूशंस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं. ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ भी है, देख लीजिए. सॉल्यूशन की कंडक्टेंस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की कंडक्टेंस के इक्वल होती है. इन द सेम वे कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है. अब हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको. रटना तो कुछ नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको. अब देखिए, अभी तक मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है? K इज इक्वल टू जी एल बाई ए, है ना. अब मान लीजिए ऐसा सपोज करते हैं, लेट L की वैल्यू 1 हो जाती है. सेंटीमीटर में अगर लेना है तो 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, मीटर में लेना है तो आप 1 मीटर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, हम सेंटीमीटर में लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमें सेंटीमीटर में यूज करना है. तो बताइए एरिया किस में लेंगे हम? सेंटीमीटर स्क्वायर में. और मैंने माना एरिया भी क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसा मेरा अजम्पशन है. ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू रख दूँ तो ध्यान से देखिए, तो ये फार्मूला क्या बनेगा? K इज इक्वल टू जी एल के जगह पे 1, ए की जगह पे भी 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा. यानी हमें क्या मिलेगा? K इज इक्वल टू जी मिल जाएगा. ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ. अगर आपसे कभी कोई ये पूछ ले कि क्या कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस इक्वल हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकते हैं. लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? वेरी सिंपल, कंडीशन इज दैट लेंथ शुड बी 1 सेंटीमीटर एंड एरिया शुड बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके साथ साथ एक और कंडीशन आप बना सकते हैं. कैसे? वॉल्यूम से. अब वॉल्यूम का क्या केस है आपको पता ना? वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच. आपको पता है एल इंटू बी क्या होता है? एरिया होता है ना. आप चाहें तो एल की वैल्यू 1 रख दीजिए, बी इंटू एच एरिया मान लीजिए, इसके जगह पे भी 1 रख देंगे, 1 1 1. यानी कि वॉल्यूम क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब आपसे कभी भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि अगर मुझे कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को इक्वल करना है तो बताइए मुझे वॉल्यूम कितना रखना पड़ेगा? दैट सिंपल, 1 सेंटीमीटर क्यूब. यानी कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाले सेल की बात करूं तो उस केस में कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. इसमें कोई डाउट है? देख लीजिए एक बार फिर से. द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी. हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाली सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ही उसकी कंडक्टिविटी होगी. क्यों? क्योंकि K इज इक्वल टू जी मिल जाएगा हमें. यानी कि जब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाली सॉल्यूशन लेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी और उसकी कंडक्टेंस दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल आती है. सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तभी. चलिए नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हम लैम्डा एम से. लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी. अभी तक हम क्या पढ़े थे पीछे? कंडक्टिविटी. अब हम क्या पढ़ेंगे? मोलर कंडक्टिविटी. आइए देखिए क्या होता है. इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, उस सेल के किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में अगर मैं 1 मोल, हाँ कितना? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को फील कर दूं, केस में जो उसकी कंडक्टिविटी होगी, ध्यान रहे, उस केस में उसकी कंडक्टिविटी उसके मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाती है. बहुत सिंपल है. अब ध्यान से देखें, ये क्या है कंडक्टिविटी, ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी. यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, मोल्स डिस्कस करेंगे और वो रिलेशन आगे हमारे काम में आता रहेगा. क्या है? देखिए, लेट वी सेंटीमीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. मान लिया हमने
क्योंकि उसने कहा था कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होना चाहिए, तो मुझे तो नहीं पता ना कि कितना है, तो मैंने मान लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन किसके इक्वल होती है, कप्पा के, बिल्कुल होती है ना। अब बताइए कंडक्टिविटी ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, कंडक्टिविटी ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब था तो के था, ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यूब रहता तो ये वैल्यू कितनी होती, 5 के, 10 सेंटीमीटर क्यूब रहता तो 10 के। अब बताइए अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो हाँ वी इंटू के, ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। एक बार फिर से देखिए, हमें ये चीज़ पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा, तो वी सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा, वी इंटू कप्पा। लेकिन ध्यान रखना आपको ये सब यूनिट किस में चल रहे हैं अभी, आपके सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि वॉल्यूम आपको अभी भी क्या रखना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए तो हमें एक चीज़ मिल गई, ये देखिए ध्यान से इसके स्टेटमेंट को पढ़िएगा, आपको आपका डेफिनेशन मिलेगा। क्या ये कंडक्टिविटी ऑफ वी सेंटीमीटर सॉल्यूशन, यानी कोई फिक्स अमाउंट का सॉल्यूशन है जिसमें कि 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट रखा गया है। हाँ, यानी कि ये क्या है, दिस वन इज मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, यानी इस पूरे टर्म्स को हटा के हम क्या ले सकते हैं, लैम्डा एम दैट इज इक्वल टू वी इंटू के। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी का आपको एक फॉर्मूला मिल गया, वो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इंटू कंडक्टिविटी। क्लियर है, अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला मोलैरिटी का। देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गुड, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब लीटर को हम बताइए क्या लिख सकते हैं, हाँ हम लीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब लिख सकते हैं ना। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले बताइए 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा, हाँ बताइए कितना होगा, 100, नहीं वो गड़बड़ है, 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर होती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 100 सेंटीमीटर क्यूब होगी, ये बात बिल्कुल गलत है। तो सही क्या होगी, देखिए 1 मीटर क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर का क्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। आप बताइए 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 10^6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, 2 को 3 टाइम करेंगे यानी कि 60 हो जाएगा, तो 10^6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, कर सकते हैं। तो चलिए ये तो रही वैल्यू किसकी, 1 मीटर क्यूब। अच्छा 1 मीटर क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 लीटर के। एक चीज चले आइए देखिए, अब मोलैरिटी के फॉर्मूले हम क्या बना रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 मिलीलीटर के इक्वल, अब चाहे मिलीलीटर के ये या सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बताइए लीटर को मिलीलीटर बनाने के लिए आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाई 1000, नहीं फॉर्मूला याद है, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी किससे बदल गया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू निकाल सकते हैं V3 की। देखिए क्या होगा, आप इसको इधर लेके आइए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, M इंटू V3, इधर क्या बचेगा, N सॉल्यूट इंटू 1000। जब आप यहाँ से V3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको M को इधर लेके आना होगा डिवाइड में, आपको मिलेगा 1000 अपॉन, चले हम यहाँ लिख ही देते हैं, देखिए मोलैरिटी फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी हम क्या करेंगे, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में, हम इसको क्या बनाएंगे, मिलीलीटर में। इसके लिए हम क्या करना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1000 करना होगा। यहाँ तक क्लियर है, अब देखिए अब हम इस मिलीलीटर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो रिलेशन मिला है वहाँ पर
हाँ मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला मिला था लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी, वहाँ पर ये वी किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें यहाँ से भी वैल्यू किस में उठा करके जाना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा देखिए एम इंटू वी थ्री इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू थाउजेंड, आप ऐसे लिख लीजिए इंटू थाउजेंड। यहाँ से हमें वी थ्री चाहिए, हम क्या लिखेंगे, वी थ्री इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान से देखिए, जो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए, वो तो वी सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के इक्वल कब होती है, हाँ जब जो सॉल्यूशन हम फील करते हैं उसकी उसमें कितने हो, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट्स हो, कितने हो, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट्स हो, यानी कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको दिख रहा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, वन लिख सकते हैं। तो क्या बच्चा देखिए, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बच्चेगा वी थ्री इज इक्वल टू थाउजेंड अपॉन एम मिलेगा क्या। चलिए आपको पहले से ही पता है लैम्डा एम की वैल्यू क्या है, के इंटू वी के इक्वल है, जहाँ पे ये वी किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब आप वी सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू जो पीछे निकाले थे कितना आया था, दैट वाज थाउजेंड डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। आप इसको उठा के यहाँ रख दीजिए तो देखिए क्या मिल जाएगा, ये के इंटू इसके जगह पर लिखेंगे थाउजेंड अपॉन मोलैरिटी, ये बन गया आपका एक फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोलर कंडक्टिविटी। किसके टर्म्स में है, ये मोलैरिटी के टर्म्स में है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है इस टाइम पे जो यूनिट चल रही होगी वो किस में चल रही है, अभी सेंटीमीटर में। देखिए लैम्डा एम की वैल्यू के इंटू थाउजेंड अपॉन एम, जहाँ पे ये एम मोलैरिटी हमने किस टर्म में लिया था, मिलीलीटर में, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ है। हाँ लीटर में था लेकिन हमने इसको कन्वर्ट किस में किया था, मिलीलीटर में। अब यहाँ से अगर आप यूनिट देखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट मिलेगी आपको सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए ये यूनिट कहाँ से मिलेगा आपको, के की वैल्यू सीमेन पर सेंटीमीटर या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, मोलैरिटी की वैल्यू आपने क्या रख दी, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ठीक है तो ओके, आप क्या करेंगे, आप सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब करेंगे। जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस वन और प्लस थ्री सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए डिफाइन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कब था, वन मोल था, यानी कि मोल्स के लिए डिफाइन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर मोल। बात मेरी समझ में आ रही है, चलिए एक तो ये तरीका था। अगर आपको दिक्कत है, खैर उसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो आपको एक और तरीका हम बताते हैं, आप वहाँ से भी यूनिट को देख सकते हैं। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने क्या यूज किया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन टू थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, इसी टर्म्स आपने यूज किया था ना, सही है। चलिए अगर ये सही है तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट की यूनिट किस में रखा आपने, मोल्स में, नीचे क्या आया आपका, सेंटीमीटर क्यूब, यही यूनिट आएगी आपकी, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जब आप अपना फॉर्मूला यूज कर रहे थे लैम्डा एम का, तो आपको मिला था कप्पा के इंटू थाउजेंड अपॉन मोलैरिटी, ये मिला था ना। कप्पा के की यूनिट आपको पता है क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स होती है अपॉन, यहाँ मोलैरिटी था, मोलैरिटी का यूनिट आपको देखिए क्या आ रहा, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखिए ये और ये कैंसिल होकर क्या बनाएंगे,
सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस वन प्लस थ्री सॉल्व करेंगे तो प्लस टू के इक्वल आ जाएगा, अपॉन क्या मिला आपको मोल। आप चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे भी समझिए वैल्यू तो सेम ही आनी है, क्या आएगी यूनिट सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा इसकी यूनिट जो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ रहा है उस टाइम पे जो फॉर्मूला है दैट इज के इंटू थाउजेंड अपॉन एम यूज करेंगे, लेकिन कब, जब हमें यूनिट किसमें चाहिए सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। अगर मुझे ऐसा यूनिट में निकालना पड़ गया तो क्या होगा, देखिए पहले आप ये यूनिट डिफाइन कर लीजिए फिर हम उसकी बात कर लेते हैं ना। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए सिंस मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड फॉर वन मोल देयरफॉर एसआई यूनिट इज सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे क्या चाहिए मीटर स्क्वायर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए ना। तो आइए जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए जो मोलैरिटी आपने किस में ली थी सेंटीमीटर क्यूब में, अब आपको इसमें लेनी पड़ेगी मीटर क्यूब में। तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए वन सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन हंड्रेड मीटर होती है। तो बताइए वन सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या होगी वन अपॉन हंड्रेड मीटर का क्यूब होगा, यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स जीरो आएंगे, टू का क्यूब करेंगे तो कितना टू टू फोर एंड टू सिक्स, इसे जब क्यूब निकालेंगे हंड्रेड का तो ये हो जाएगा वन विद द सिक्स जीरोज, जिसको ऊपर आप लेके जाएंगे क्या ऊपर लेके जाना है ऐसे छोड़ दिए। तो देखिए जब आपको मीटर स्क्वायर में चाहिए तब उसी वैल्यू को क्या करिए टेन टू द पावर सिक्स से डिवाइड कर दीजिए, सिक्स जीरो है तो आप इसको क्या लिखेंगे वन अपॉन टेन टू द पावर सिक्स। जब टेन टू द पावर सिक्स से डिवाइड करेंगे तो देखिए थ्री जीरो तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, थ्री जीरो नीचे बच जाएगा, यानी जो फॉर्मूला होगा वो उल्टा हो जाएगा, के अपॉन थाउजेंड इंटू मोलर हो जाएगा। इस केस में जो लैम्डा एम है इसकी यूनिट क्या आएगी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। वैसे ये बहुत रेयरली यूज होता है बट कई बार आपसे ऐसा यूनिट में चीज़ें निकालवाने को कह दी जाती हैं, अगर ऐसा कहा जाता है तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। अब तक आपने क्या क्या सीख लिया हम उसको एक बार आपको रिकैप करा देते हैं। आपको रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला बताया आर इजिकल टू रो एल बाई ए, दूसरा आपको कंडक्टेंस जी की फॉर्मूला बताया दैट इज वन बाई आर, उसके बाद आपको कंडक्टिविटी के कप्पा की वैल्यू पता है दैट इज जी एल बाई ए, फिर आपको मोलर कंडक्टिविटी के दो टर्म्स पता हैं, एक सीजीएस यूनिट कर लीजिए या फिर सेंटीमीटर के टर्म्स में कर लीजिए। तो लैम्डा एम की वैल्यू आती है के इंटू थाउजेंड अपॉन एम, जब आप इसी को ऐसा यूनिट में बात करेंगे यानी कि मीटर में बात करेंगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी क्या मिलेगा के अपॉन थाउजेंड इंटू मोलर। इस केस में आपकी यूनिट होगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इस केस में आपकी यूनिट होगी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। कंडक्टिविटी के की यूनिट होगी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर अगर आप उसको ऐसा यूनिट में यूज करना चाहें तो हो जाएगा सीमेंस पर मीटर या सीमेंस मीटर इनवर्स। कंडक्टेंस का यूनिट आपको पता ही है सीमेंस होगी, मो होगी या फिर ओम इनवर्स भी हो सकता है, क्लियर है। तो अब इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप समझ चुके हैं तो इसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई करेंगे फिर सॉल्यूशंस तो हम आपको बताएंगे ही, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई जरूर करें। चलिए कर लिया होगा आपने, स्टार्ट करें आइए डिस्कस करते हैं। क्या दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.01 मोलर
नहीं, हमें क्या दिया गया है, मोलैरिटी। चलिए, मोलैरिटी इज गिवन 0.01 मोलर। सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 200 ओम, यानी हमें रेजिस्टेंस भी दे रखा है, दैट इज 200 ओम एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का वेरिएशन अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, तो हमें उसको इग्नोर करना है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इफ द सेल कॉन्स्टेंट इज 0.8 सेंटीमीटर इनवर्स, सेल कॉन्स्टेंट यानी कि एल बाई ए इज गिवेन एंड डैट इज 0.8 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि हमें यूनिट किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, इसी का बहुत ध्यान रखना आपको। देन तो मेरे पास चार ऑप्शन है, आपको देखना है कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है और कौन कौन से ऑप्शन गलत है। पहला क्या है, कंडक्टेंस, तो हमें कंडक्टेंस निकाल लेना है, निकाल लीजिए कंडक्टेंस। बताइए कंडक्टेंस जी का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/R बनेगा ना। देखिए 1 रेजिस्टेंस R कहाँ गया, 200, इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/, इसको हम 2 × 100 लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए ये 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻²। यूनिट क्या आ जाएगी, कंडक्टेंस की यूनिट हम सीमेंस में लिखेंगे, हाँ ओम इनवर्स भी होता है और मो भी होता है, लेकिन हम किस में लिखेंगे ज़्यादातर, सीमेंस में, यानी कि 0.5 × 10⁻²। तो 0.5 के टर्म में तो मुझे कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, तो काम करते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस डेसिमल को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 5, बन जाएगा क्या, ठीक है। जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो बताइए ये पावर क्या होता है, घट जाता है, -2 से घट के ये क्या बन जाएगा, -3 कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको 0.5 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 5/10 × 10⁻²। ये जब 10 ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, -2 और -1 मिलकर कितना बन जाएगा, -3, यानी कि 5 × 10⁻³। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन सही है, कंडक्टेंस इज 5 × 10⁻³ सीमेंस। एक और यूनिट दिया गया है, कंडक्टेंस इज 5 × 10⁻²² ओम इनवर्स। अच्छा सीमेंस ही तो ओम इनवर्स है, जहां हम सीमेंस लिख रहे हैं क्या हम यहाँ पर ओम इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वैल्यू में क्या कोई फर्क आएगा क्या, नहीं, इट विल बी 5 × 10⁻³। जबकि यहाँ देखिए क्या दिया, 5 × 10⁻², यानी कि ये ऑप्शन क्या हमारा गलत है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, पहले तो सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में, तो चलिए आइए उसी को डील कर लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, देखिए के अभी हम लोग निकाले थे ना, नहीं देखिए के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी लग रहा है, दिया नहीं है ना, ओके तो चलिए पहले के निकालिए, के की वैल्यू क्या आएगी, जी एल बाई ए, जी की वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, देखिए कितना आया था, 5 × 10⁻³ आया था ना, एल बाई ए की वैल्यू दिया हमें 0.8, 5 × 0.8 सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 4 × 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों इनवर्स सेंटीमीटर लिया गया है, क्योंकि एल बाई ए की वैल्यू सेंटीमीटर में दिया गया है। चलिए तो हमें अब के की वैल्यू पता है, तो के पता है तो हम यहाँ से, ठीक है तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, लैम्डा एम की, के की वैल्यू कितनी आई है, 4 × 10⁻³ × 1000 अपॉन एम की वैल्यू है 0.01। अभी देखिए 10⁻³ और ये 10⁻³ ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 4/0.01। हम 0.01 को क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 0 ऊपर आ जाएगा, कितना 2, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
ये वैल्यू आएगी, चेक करिए दिया है क्या 400 तो दिया ही नहीं है, गलत है। आइए हम एक बार इसको SI यूनिट यानी कि मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, आप करके देख लीजिएगा, ये ऑप्शंस भी आपको गलत ही मिलेगी, यानी कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो कौन था, पहला जो सही था। बात समझ में आई आपको? देखिए नेक्स्ट बात करते आइए, ये देखिए आपका ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। आप देखना चाहें देखिए फॉर्मूला को जरूर चेंज कर लेना है, जब आपको मीटर में चाहिए यानी SI यूनिट में, तो फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू 1000/m। अब आप k की वैल्यू कितनी थी, 4×10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में थी, क्या आप इस वैल्यू को यहाँ यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ अगर आपने कर लिया तो फिर आपका गेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देखिए ना ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो आपको उसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, मीटर में बनाना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को देखिए इसको हम बता देते हैं, न्यू पेज पर देख लीजिए, क्या हमारे पास 4×10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। आइए देखिए एक सेंटीमीटर में क्या होता है, 1/100 मीटर होता है, पक्का होता है ना, ठीक है। अगर हम एक सेंटीमीटर इनवर्स की बात करें तो इसका भी इनवर्स करना पड़ेगा, अगर हम इसकी इनवर्स लिखें तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1×100 वन के, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये तो बनी रहेगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन 100⁻¹ जब ऊपर जाएगा तो ये +1 बन जाएगा, यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 100 मीटर इनवर्स के, ठीक है। तो अब देखिए 4×10⁻³, जनरली हम क्या करते हैं, मेरे माइंड में ये आता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, हम ये देखना भूल जाते हैं अगर इनवर्स प्रॉपर्टी के साथ है तो हम यहाँ डिवाइड ना करके हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, कैसे होता है देखिए, आया ना 100, यानी कि यहाँ पर 100 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए कर लीजिए 4×10⁻³ यानी कि 10⁻² इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4×10⁻¹ सीमेंस मीटर इनवर्स। आपको इतना सारा हर बार नहीं करना है, हम आपको जो टिप बता रहे हैं आप उस टिप को बस ध्यान रखेंगे, आपको जनरल जो पता है सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए आप 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर है। अगर कभी आपको सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स बनाना हो तो ये जो 100 आपको नीचे देख रहा है ना, क्योंकि सब इनवर्स ले रहे हैं तो इसको भी इनवर्स करेंगे तो ये 100 कहाँ चला जाता है, ऊपर, यानी कि उस केस में आप 100 से डिवाइड नहीं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें ये बताइए कि 5 मीटर में कितने, हाँ 5 मीटर इनवर्स में कितने सेंटीमीटर इनवर्स होंगे, ये आपको छोटा सा होमवर्क रहेगा, हमें पता भी तो चले कि आप कन्वर्जन कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि कन्वर्जन करने आपको आना चाहिए, आप इसे जरूर से सॉल्व करेंगे, हम चेक करें एक बार, हम टाइम देख ले, ओके इट इज़ अराउंड 53 मिनट्स, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया आज, चलिए कोई नहीं, ये लेक्चर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए आपके लिए होमवर्क है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर PDF से कर लेंगे, इसके 4 क्वेश्चंस हैं और चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप एक बार ट्राई करेंगे, जैसा होगा आप बताएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास, हाँ चलिए एक और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नहीं ये भी आपके लिए होमवर्क ही है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका कंडक्टिविटी निकालना है और रेजिस्टिविटी निकालना है, कर सकते हैं। चलिए
आपको पता ना कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या है? कंडक्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी का इन्वर्स, यानी कि 1/ρ के इक्वल होता है। तो एक निकाल लेंगे, दूसरा उसे इन्वर्स करके सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ये आज हम नहीं कराएंगे अब आपको, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गई। अभी तो वैसे देखा जाए तो 9 पेज बचे हैं, 9 पेज का मतलब कम से कम 35 मिनट लगेंगे, तो आज उसको अब नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्लास हम उसको डिस्कस करेंगे, आप होमवर्क ट्राई करेंगे, एक बार ज़रूर से वीडियो को रिवाइज कर लें, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। टिल दैट, थैंक यू सो मच।